अमेरिका के लोग अपने बच्चों को पानी में क्यों फेंक देते हैं? दरअसल अमेरिका में काफी सारे घरों में स्विमिंग पूल्स होते हैं और अमेरिका में देखा गया कि बच्चे सबसे ज्यादा बर्थ डिफेक्ट से मरते हैं और सेकंड सबसे बड़ा कारण है पानी में डूबने से। इसीलिए एक छोटे से बच्चे को भी पानी में फेंक दिया जाता है ताकि वो लगभग एक हफ्ते के समय में अपनी पीठ के बल पर पानी में फ्लोट करना सीख ले। अगर गलती से बाय चांस पानी में गिर जाता है तो फ्लोट करने से एटलीस्ट वो डूब के उसकी मौत नहीं होगी। एक हफ्ते बाद में इन्हीं बच्चों को मुंह के बल पानी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि पानी को थोड़ा अंदर से भी देखे। उन्हें बार बार सीढ़ी तक का रास्ता दिखाया जाता है ताकि अगर गलती से ये पानी में गिर जाते हैं और उनका मुंह नीचे की तरफ हो तो वो कहीं ना कहीं से सीढ़ी देख करके उसके पास जाने की कोशिश करे या फिर वहां पर फ्लोट कर ले। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।